अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हो सब लोग ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक है, आप लोग भी दुआ से जी। आज का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट ले लिया है। फिलहाल तो यहाँ पे हम अच्छे से तैयार हो गया, हमारा जरूर बताएगा हम कैसे लग रहे हैं। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। कपड़े मैंने वही पुराने ही पहन लिए क्योंकि मैं घर की सफाई करने लगी हूँ। सही है ना? हाँ, नहीं पड़े हुए थे, मैंने कहा ये पहन लेती हूँ, अब सफाई तो करनी है। एक क्या दिन तो पहने हुए थे वही ना। तो आज हमारे घर में जो ना थोड़ी सी डीप क्लीनिंग हो रही है, यहाँ से देखेंगे ना वहाँ तक फुल फैला पड़ा है। फटाफट लगते हैं काम पे, देखते हैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं अभी फिलहाल कंफ्यूज हुई हूँ। तो जी आगे जो होगा जैसे होगा सब दिखाएंगे, सब शेयर करेंगे, फिलहाल घर की सफाई के साथ ही। ओए मीरा चोना, सबको बोलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग, ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ, मैं बंटी हूँ और मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और मैं बहुत तेज हो गया हूँ, माशाल्लाह से बड़े हो गए ना मेरे इस हाथ के, इतने हाथ की हथेली जितने आए थे, खुद ही आ गई है लेने के लिए। पूरा एरिया ये वाला इनका ही है। वो देखो वो अभी से पंजे चलाने लग गई। अल्लाह, हमने रेसिपी शूट की थी ना उसके लिए इसे उतारा था ना। और अब जरा मुश्किल होगा लगाना के, उतार लो फिर लगा। कहाँ छोड़ते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट पांडे, पांडा है पूरा, पांडा है हमारा छुटकू सा पांडा। शू रैक बाहर रखने का कोई फायदा नहीं हुआ, जूतियाँ फिर भी सब अंदर ही लाते हैं। ये शीशे भी लगाओ। कंप्लीट हो गया, जैसे पहले था बिल्कुल वैसा ही। धोने वाली जूतियाँ मुझे दे दो, मैं वॉशरूम में रख देती हूँ। सारे ही धोने वाले हैं, नया बोर्ड देख दिया। ये क्या कर रही हो, फेंक रही हो आप? हाँ बस हटाओ, ये भी हटाओ, किसी काम के नहीं, बेकार मेहंदी। ये दराज हर दूसरे तीसरे दिन साफ होता है, पता नहीं क्यों बार बार फैल जाता है। ये शोपीस भी हटा दो, ये ब्लैक कलर का जो बड़ा सा है, ये शोपीस है हमारे घर का सालों से। सामाना हो गया, इधर से देखते मुझे डर लग रहा है, सबसे खूबसूरत। सच्ची बोल रहे दिल नहीं चाह रहा मेरा, यहाँ पे मेरी दवाइयाँ, यहाँ मेरी चीजें, कित्तों का खाना, सब कुछ है। अभी खाना खाया नहीं अभी। सबसे ज्यादा तो दराज महसूस रहते हैं, मेडिसिन से भरा है ड्रॉप। इसने इतना मारा है ना बंटी को, उसे गर्दन के ऊपर टांग रखी थी इसने अपनी। हटाओ हटाओ यहाँ से, चल बंटी आजाद, आजाद हो जा, आजाद हो जा माँ से दूर। हाँ भाग जा, भाग जा, भाग बंटी भाग, जी ले अपनी जिंदगी भाग। वो भी भाग रहा है स्पीड में। गया सोफे के नीचे, कहाँ? ये रहा। हाँ निकालो उसको ऐसे, टिट्टो निकालो अपने बच्चे को। इसको तो ले ले, मैं इसको प्यार ना ज्यादा कर लूँ, ये मेरा ना हो जाए, टिट्टो को गम लगे। वो निकलने की जगह और अंदर गया। टिट्टो आ जाओ, भागती भी आती है। कितनी तेज रोशनी है बाहर, धूप हो रही है। हम नेट लगा देते हैं गर्मी की वजह से, इससे जरा सेफ्टी हो जाती है। इन पे ज्यादा धूल मट्टी आती है ना, मेरे मुंह पर मट्टी फेंको। माशाल्लाह मौसम कितना अच्छा हो रहा है, कोयल की इतनी प्यारी प्यारी आवाजें आ रही हैं। किसकी आवाज है? टिट्टो की। कहाँ है? आई रही है टिट्टो, टिट्टो और कोई जगह नहीं मिली इसको। टिट्टो किसी तरह हम दिख जाए इसको, बच्चे नवाजे से कमरे में जाओ देखना। नहीं वो गेट बंद है, मेहनत का पसीना है, मेहनत का कमी नहीं। चलो बाय, कितनी देर लगेगी? और अब तो मुझे भूख लगने लग गई, एक कीड़ा नाच रहा है इधर, ये आया आपके पास। कितनी धूल मट्टी आ जाती है इसके ऊपर। मिस्टर बीन का भालू हमारे घर में, वो गोला था ना, वो खेलता था। हाँ गोला था, क्या बोला, अब पता नहीं, नहीं। किधर होगा। कहाँ से तो आवाज आई? नहीं यहाँ पे नहीं है, वो सो रही है। कचरा कितना निकला है, आधा तो मैं डस्टबिन में भर दिया। हो गई हमारे घर की आज सफाई मुकम्मल कंप्लीट, बहुत अच्छी वाली सफाई होगी और डीप क्लीनिंग वाली मैंने सफाई कर दी। और अल्लाह करे ये शाम तक ऐसी रहे, ऐसे ही रहे। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब पोछा लगाना है, पोछा लगा के फिर इंशाल्लाह कुछ नाश्ता पानी। नाश्ता पानी, इसको लस्सी पिला दी मैं। भुट्टे तो हम लोग लाए थे कुछ दिन पहले भून के खाने के लिए, लेकिन अब ये भून के खाने के काबिल ही नहीं रहे क्योंकि बहुत हार्ड हो गए। पूरा साफ कर दिया, पूरा साफ सुथरा हो गया, माशाल्लाह हर चीज साफ सुथरी है।
मुझे यकीन नहीं आ रहा मैंने कर लिया। ऐसे ही होता है, जब भी सफाई होती है फिर यकीन नहीं आता। नहीं आता ना, देखो ये मेरे काम है, हटाया फिर मैंने लगा दिया। अभी आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी हर चीज साफ सुथरी है, ऐसे ही रहेगा। और ये बस चाबी रखी है, अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता वगैरह लेने के लिए। चलो यार आ जाओ, भूखा मार देना है आज। अल्लाह, एक तो खाली पेट इतना काम करवाया है। सारे गेट क्यों बंद कर रहे हो? बुटीक तो बच्चे लेके अंदर ना घुस। हाँ सही है सही है, फिलहाल तो ऑटो है। लाइटें बंद करो ना यार, लाइटें बंद करो भाई। ये भी बड़े लोगों की तरह जैसे इंसान अंधेरे में सोते हैं ना, ये भी अंधेरे में ही सोते। पंखा तो चला दे। शुक्र है थोड़ी बहुत धूप कम है, अभी इतनी धूप नहीं है। अब नहीं, मैंने कोई ऑर्डर दिया हुआ। गोला भी ऐसे ही कहीं घूम रहा होगा। गोला लगाना बिल्कुल। मौसम कितना प्यारा हो रहा है, इतनी कड़क धूप हो रही है, ये मौसम प्यारा हो रहा है। हवा लग रही है, मौसम अच्छा हो रहा है यार। और क्या, हवा तो है ठंडी। गिलास बर्निया खरीद लो, बजाओ तेज तेज। नहीं आता उसको। शुक्र है धूप में घंटों घूम घूम के हम लोग शेड वाली मार्केट में आ गए। बस यहाँ से हमने ऑयल लेना है, सरसों का तेल। हाँ यहाँ से पूछ लो, बॉटल वाला ऑयल तो मिल रहा है लेकिन खुला तेल मिल ही नहीं रहा। ये मार्केट भूल भुलैया है, यहाँ बंदा गुम हो जाता है। यहाँ भी नहीं मिला, और आगे जाओ। अब पकवान तेल भी यहीं से ले लिया करो। देखो सब लोग ले रहे हैं खुला तेल, लेकिन हम लोग पैकेट वाला ही यूज़ करते हैं। इसकी कोई रेमेडी बनानी है सर पे लगाने के लिए? ओ हाँ याद आ गया, अब याद आया है। ये रही यमी यमी कुल्फियाँ, इनको जब हम फ्रिज में जमा के खाएंगे ना बड़ा मज़ा आएगा। कितने पैकेट है? अच्छे अच्छे फ्लेवर लेना, बस बहुत हैं। बहुत वजनी हो गई, अरे बहुत ज़्यादा वजनी हो गया। घर तक घुमा लेते हैं, अब हम जाएंगे सीधा घर। और लस्सी वस्सी भी पीते हैं, लस्सी पीने की कुछ कोल्ड ड्रिंक तो पी लेते हैं ठंडी। ये देखो तुम्हारी, मेरा गला खुश्क हो रहा है प्लीज। वो पीछे कूलर रखा है वहाँ से पानी पिया हूँ। हमारे घर से आ रही है अम्मी ने लगाई। अस्सलामुअलैकुम। कुंडी लगा दे कोई, मेरी हालत नहीं है ऐसी। अच्छा मैं लगा ही देती हूँ। मेरे कंधों पे 5-6 किलो का बोझ है। इसने किया ठंडा पानी यार, गिलास ले आओ। ये रे मम्मा। मम्मी आप कब आई थी? अम्मा नहीं इधर पसीना, उसे तो मुझे ठंडा ठंडा पानी पिला रही है। उधर ही मुझे अटैक आ गया। अल्लाह ना करे, अटैक आता है मुझे नहीं आता। आपको क्या लगा हम कहाँ गए? मैं तो नाश्ते का सामान ले आती हूँ फटाफट, फिर मैं सामान लिया नाश्ते का, और इसलिए इतनी सारी आइस और मैंने भी नहीं उठाई, अपने सर पे रख के लेकर आई। पूरे रास्ते अम्मी कंधे पे उठा के लाई हूँ, फ्रिज में रखो। ऐसी हालत हो गई मेरे सर में, सर में आपके दर्द होने लगी है। पहले जगह बनाओ, ये हटाओ ना। बस चलो तो हमारा सारा चीज़ें हमारे घर से निकाल के बाहर फेंक के कर देगी। नहीं रखते, नहीं रखते हैं। ये छोटी सी पहले कितनी बड़ी होती थी, जब ये जम जाएगी ना फिर खाना इसको। सारी की सारी निकाल दो, खराब हो गया नहीं सब। पहले ये 1 रुपए की एक आती थी, अब 5 रुपए की एक है। अम्मी पकड़ती जा रही है मुझसे, मैं खोल रही हूँ। मैं खाती है अम्मी शॉप से खाती। जब बाहर से धूप से आएंगे ना, बाहर से घूम के फिर खाऊंगी ठंडी ठंडी। आप लोग भी बताइएगा, आप लोग में से कौन कौन खाता है शॉप से? बहुत ज्यादा शॉप से बचपन में तो सबने ही खाई होगी तकरीबन। हम अपने द्वारा बचपन को जिंदा कर रही हूँ। बड़ा मजा आता था। कुछ इतनी सारी निकल आई है, और आखिरी पैकेट रह गया येलो वाला, भर दो अब फ्रिज। माशाल्लाह अल्लाह नजर से बचाए। हुमा तू तो भर लिया फ्रिज। अब करते हैं फ्रिज को बंद, अब बनाते हैं नाश्ता। और यहाँ पे जो है मैं बाकर खाने ले आई हूँ, क्योंकि रास्ते में हम लोगों ने बाकर खाने ले ली, दूध ले लिया। अब नाश्ता फटाफट बनाते हैं, नाश्ता करते हैं, बहुत भूख लगी। भूख तो लगी है, पप्पू बोल रही है ना भूखी हुई है। चाय बनाओ। चाय बनाओ ऑर्डर, चाय बनाओ। मैं थक चुकी हूँ, नाश्ता लाओ।
अपनी बच्ची को तो नाश्ता दे दिया है, हमें देने में थक चुकी हूँ। मैंने फटाफट खोला उसको खिलाया, शिजादी है मेरी ये तो। माँ बेटियाँ फ्रिज को बंद करके फ्रिज तेज कर दो, मैंने कुल्फी खानी है। अल्लाह इसकी बातें सुनो मम्मा, अम्मी अभी चीजों के मामले में टेंशन में आ गई, चीजें रखूं कैसे। अम्मी को बर्फ की फिक्र है जो कि यूज ही नहीं होती, बर्फ यूज नहीं होती, सब ठंडा पानी पीते हैं पानी की बोतलों से। हाँ। अम्मी भूटे बन गए, आपने चूल्हा बंद कर दिया। चूल्हा तो मैंने बंद करके गई थी। क्यों? क्योंकि मैं डर गई थी। ओहो कोई नहीं, कच्चे पड़े में पानी भी कम है। पानी भी भर दो, चूल्हा भी जला दो, ये शाम तक पकेंगे। दूध निकालो, चाय रखो। लो मैंने आपका काम आसान कर दिया, चीनी पत्ती निकाल दी है, बस बहुत ज्यादा आसान कर दिया। बहुत ज्यादा दूध निकाला है एक कप अलग से। भाई ये तो मैं भूल गई। मम्मी दूध निकाला है मम्मी ने एक कप अलग से, यहाँ पे बाकर खाने भी निकाल दी जो हम लोग लेके आए थे। मम्मी मेरे लिए वो खुली वाली कटोरी है ना, वो और चम्मच ले आना, मैं बाकर खाने डुबो के खाऊंगी। ठीक है। ये हमारा नाश्ता हो रहा है आज, बाकर खानी चाय। वैसे तो हर दूसरे दिन हमारा यही नाश्ता होता है, बस चाय रह गई, वो मम्मी लेके आ जाएंगी उठा के। चलो नाश्ता लग गया है, चलो। इतनी जोर से मैं भी लेट जाऊँ आपके साथ ही। छोड़ो नाश्ते पानी को, सो जाते। भूख लगी हुई है यार मेरे को। उठो फिर, उठो। अच्छा, दो मिनट। नहीं नहीं मैं लेके ही जाऊंगी, कसम अल्लाह की। मैं आई जो ना, कसम अल्लाह की मैं लेके जाऊंगी। जो ना है, जो ना है वो किरण, जो लेके जाए वो हुमा। चल ठीक है। अम्मी हम तो खाते हैं, मुझे पता है, उन्होंने बोल दिया है मैं 5 मिनट में आई, पर आना नहीं है। अभी 2 मिनट बाद फिर जाऊंगी, वो सो ही जाएंगे, मुझे ऐसा ही लगता है। अब मैं खिड़की से डराऊंगी। अम्मी कह रही है बुलाओ बुलाओ बुलाओ। आ गई चप्पल चढ़ी हुई मेरी, कहाँ जा रही मैं। उतरो उतरो, कहीं नहीं जाना। थैंक यू मम्मा कटोरी के लिए। ये मैं अपने लिए लाई हूँ। अच्छा तो और ले लो। जी चाहिए मुझे। अच्छा मैं फिर वो प्याला लाऊंगी। जेलेसी जेलेसी नहीं 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 प्याला नहीं प्याला। अच्छा मैं कटोरी में ही खाऊंगी। अच्छा तुम ही प्याला दो। कितनी चलाक हो यार। वैसे प्याला है कहाँ? ना यार नजर आ रहा है ना इधर है। जो चाहिए था वो तो मिले नहीं। मैं यही उठा के मैंने हर जगह देख लिया, पूरे किचन में मुझे नहीं मिला। मम्मी आपने बाकर खाने का क्या किया है? कचूरा हो गया। कचूरा हो गया, चूरा हो गया। ले जी बिस्मिल्लाह करें, खारे खाएं। बाकर खाने खाने में अलग मजा आता है, खारा खाने में ज्यादा मजा आता है। क्या फर्क है दोनों में? डिफरेंट। ये ज्यादा अच्छे खारे ज्यादा अच्छे। हम लंच में थोड़ी देर बाद करेले खाएंगे, मट्टी की मट्टी के वो बर्तन कुछ। हाँ वो हमें परिंदों के लिए पानी रखना है ना, देखती हूँ। वो है मट्टी का पानी डालने वाला। मैं आ रही यार, छोटे हैं वैसे नहीं है, छोटे से मुराद इतने भी छोटे नहीं है। वो जो एक होते ना वो बड़े बड़े खुले, हाँ वैसा नहीं है, छोटा है, साइज बहुत छोटा है। मैं बोल देती हूँ, क्या चाय बनाई है मम्मा ने। काली चाय। ये काली नहीं है, ये देखो ये है असल रंग इसका। ये क्या हो गया? कटोरी। और इसको कटोरी को ऐसे डुबा देते हैं। तो बैठना नहीं आ रहा? ओए वो सद के बैठ गई। ओए मेरा बच्चा बैठ गया। ओए जो ना मेरा बच्चा बैठ गया, गर्मी लग रही है। उसकी पीठ ऐसे 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 कांप रहा है सच्ची। गर्माइश, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत शिद्दत वाली गर्मी हो रही है। तो जी यहाँ हमारे घर के सारे काम खत्म हो गए, अच्छे वाले हो गए और बहुत टाइम से हो गए। टाइम से अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। तो जी फिर आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर ब्लॉग पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट और दुलार देने के लिए दिल से शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला आप लोगों की हर परेशानी दूर करें, आमीन। किरण अपने लिए भी यही दुआ करती है, किरण की मतलब सारी परेशानी दूर करें, आमीन से आमीन। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं फ्रेश होकर, अच्छे से नहा धो के। बहुत इस वक्त जो है मैं अपने आप बहुत अजीब सा फील कर रही हूँ। फिर इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।